हेलो नमस्कार, प्रधानमंत्री में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर, नियमितीकरण को लेकर और वेतन मान को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वेतन मान तय किया जाए, इनको नियमित शिक्षकों के समान वेतन दिया जाए और इनको स्थायी नियुक्ति दी जाए। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी कि अतिथि शिक्षकों को स्थायी किया जाएगा, तो अतिथि शिक्षकों का कहना है कि इनको स्थायी नियुक्ति दी जाए। जो नई नियुक्ति की जा रही उसमें इनकी स्थायी नियुक्ति की मांग की। तो मैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी आपको देने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर, नियुक्ति को लेकर और वेतन को लेकर क्या कहना है, आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर, मैं हूँ रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा के लिहाज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 तक मध्य प्रदेश सरकार करीब 70,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने वाली है। इस आदेश एक तरीके से इस मामले में एक आदेश जो है वो भी लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से जारी कर दिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि ये अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति मध्य प्रदेश में दरअसल बड़ी संख्या में जो रिक्त पद हैं शिक्षकों के सरकारी स्कूलों के, उन पदों को भरने में किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों का मानदेय वैसे भी जो स्थायी शिक्षक होते हैं उसके मुकाबले काफी कम होता है और ऐसे में सरकार का मानना है कि इससे उसके खजाने पे अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा, इसलिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति इस बड़े पैमाने पर की जा रही है। हालांकि अतिथि शिक्षकों को लेकर के पहले भी कई तरीके के आदेश आ चुके हैं जिसमें यह भी बताया गया था कि अतिथि शिक्षकों को जो है जल्दी स्थायी किया जाएगा, उन्हें परमानेंट किया जाएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर उसे पहले की सरकारें हो, उन्होंने बार बार ये वादा तो किया लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब शिक्षकों के 70,000 के लगभग पद खाली हैं और इसमें अगर देखा जाए तो जो तीनों वर्ग होते हैं शिक्षकों के, जिसमें प्राथमिक शिक्षा भी शामिल है और उसके बाद अगर हम देखें पांचवी से लेकर बारहवीं तक की जो कक्षाएं हैं उसके शिक्षक भी शामिल हैं, और ऐसे में क्योंकि बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल इस बार जीरो ईयर भी घोषित हुए हैं जिन्हें बंद करके वहाँ के जो शिक्षक हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित किया जा रहा है, और ऐसे में अब ये एक खबर भी निकल कर सामने आई है जहां पे बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। और ऐसे में आपको बता दें कि इन सभी रिक्त पदों को GFMS पोर्टल पर जो है वो डाला जाएगा, जहां से जो शिक्षक है वो बाकायदा अपनी मेरिट के आधार से किस स्कूल में उसका सिलेक्शन हो रहा है उसे वो चुन सकते हैं। और हर महीने की 7 तारीख को इन अतिथि शिक्षकों का मानदेय जो है वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के ये एक बड़ा कदम अतिथि शिक्षकों के लिए माना जा रहा है, स्कूल शिक्षा के लिए माना जा रहा है, लेकिन देखना ये है कि क्या अतिथि शिक्षकों की ये नियुक्ति जो होने जा रही है, ये होने के बाद भी मध्य प्रदेश में आखिरकार जो शिक्षकों के खाली पद इतने लंबे समय से पड़े हुए हैं उन्हें आखिरकार कब स्थायी रूप से भरने का काम सरकार करती है।